दरअसल यूक्रेन वॉर वार्म अप है और चीन अमेरिका में अंतिम रण अभी बाकी है। अमेरिका ने इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन और अमेरिकी आर्मी के न्यूक्लियर कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन जंग अमेरिका के लिए चीन के साथ शुरू होने वाले महायुद्ध का अभ्यास है। तो क्या चीन और अमेरिका महाविनाशक के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? दो महाशक्तियों में महायुद्ध क्यों होगा? इसका एपिसेंटर क्या होगा? लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? और इस पर अमेरिकी सेना की सीक्रेट रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका के खिलाफ आसमान में ये चीन की J-20 गर्जना है। ड्रैगन की ये वो आसमानी दहाड़ है जो महायुद्ध की बुनियादी कर रही है। ये पहली बार है जब चीन ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट को एयर शो में प्रदर्शित किया है। ये सिर्फ जिनपिंग का पावर प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि बाइडेन को क्लियर मैसेज है कि चीन उससे महारण के लिए 100% रेडी है। तो क्या चीन और अमेरिका के बीच महाविनाश की वॉर बहुत जल्द शुरू होने वाली है? जवाब है हाँ। दो शक्तिशाली देश एक दूसरे से भिड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन का युद्ध तो अमेरिका के लिए उस महायुद्ध का वार्म अप है जो चीन के साथ बहुत जल्द होने वाला है। अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर कमांडर ने घोषणा कर दी कि द बिग वन इज कमिंग यानी सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। ये महायुद्ध चीन और अमेरिका के बीच होगा। ये है अमेरिकी नेवी के एडमिरल चार्ल्स रिचर, यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर। वर्जीनिया में आयोजित अमेरिकी सबमरीन के सालाना समारोह में चार्ल्स ने जो कुछ कहा वो इस बात का प्रमाण पेश करता है कि जिनपिंग और बाइडेन की बटालियन दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए विनाशक जंग लड़ने वाली है। अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर कमांडर ने ऐलान किया है कि यूक्रेन युद्ध अमेरिका के लिए महज एक वार्म अप है। सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, इसमें अब देर नहीं है। चार्ल्स रिचर्ड ने इसके बाद जो कुछ कहा वो इस बात का सबूत है कि युद्ध में चीन अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। चीन अमेरिका की तुलना में बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है। इस मामले में हम चीन से पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमने लंबे अरसे से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। जब मैं चीन के खिलाफ अमेरिका के प्रतिरोध के स्तर का आकलन करता हूं, तो पाता हूं कि अमेरिकी जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। ये धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन डूब रहा है। चीन अपनी एटमी क्षमता अमेरिका की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। चीन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिकी कमांडर की यह घोषणा पेंटागन को टेंशन से भर देने वाली है। चीन का
हौसला बढ़ाने वाली चार्ल्स रिचर्ड का अगला ऐलान बाइडेन के लिए और भी चिंताजनक है। अमेरिकी सेना ने नए खतरों से निपटने की अपनी अद्वितीय कला को खो दिया है। 60 साल पहले अमेरिका की सेना अधिक चुस्त, साधन संपन्न और मॉडर्न थी। अमेरिकी कमांडर ने चीन के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो खुलासा किया है वही सच है। न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में कहा गया है कि चीन इस दशक के अंत तक कम से कम 1000 परमाणु हथियार बना लेगा। अभी परमाणु हथियारों के मामले में रूस सुपर पावर है, उसके पास 6,257 एटमी हथियार है, अमेरिका के पास 5,550, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन चीन जिस रफ्तार से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को डराने वाला है। इसीलिए पेंटागन ने भी अमेरिका के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया है। चीन ने पेंटागन के इस बयान का विरोध करते हुए कहा है कि चीन शांतिपूर्ण विकास कर रहा है जो अमेरिका को हजम नहीं हो रहा है। जाहिर है चीन और अमेरिका में महायुद्ध बहुत निकट है। ताइवान, उत्तर कोरिया और परमाणु हथियारों की रेस, ये तीनों या इनमें से कोई एक दो कारण महाविनाश का एपिसेंटर बन सकते हैं। इसके बाद दुनिया उस बारूदी विनाश की गवाह बनेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।